एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो बहुत टाइम हो गया मुझे कोई वीडियो अपलोड करते हुए, बट लास्ट अप्रैल से इस साल नवंबर तक जिंदगी पूरी इधर उधर हो चुकी थी। एंड उस टाइम मुझे लगा मैं अपने लाइफ को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूँ, और मुझे सच में टाइम नहीं मिला वीडियो ब्लॉग करने का। बट येस, नाउ आई एम बैक एंड आई होप आई एम बैक फॉर अ मोर रेगुलर थिंग। तो अभी मैं एम्स्टर्डम में हूँ, अपने उसी घर में जिस घर का ब्लॉग आपने लास्ट टाइम देखा था। एंड अभी मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेटल फील करती हूँ, मैंने घर को होम बना लिया है, मतलब सारी मेरी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। बट आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सिंगापुर के बारे में। तो मैं रिसेंटली इंडिया गई थी, और फिर इंडिया से मैं अपनी मम्मी को सिंगापुर लेके गई थी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सिंगापुर कैसे जाते हैं, वहाँ का वीज़ा कैसे लेना होता है, और कैसे आप सिंगापुर में क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या खा सकते हो, क्या यूनिक चीज़ें हैं वहाँ पर करने के लिए, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो सिंगापुर मैं पहुँची थी रात के ऑलमोस्ट 3-4 बजे, और पहले रात के लिए मैंने बहुत सस्ता छोटा सा होटल किया था। एंड उस दिन हम कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह करते करते बहुत ही टाइम हो गया था। आई थिंक होटल पहुँचते पहुँचते सुबह के 5-5:30 बज गए थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि होटल वालों ने चेकआउट हमारा काफ़ी लेट कर दिया था। यूजुअली वहाँ पे अराउंड 11 AM के आसपास चेकआउट होता है, लेकिन क्योंकि हमारी एंट्री 5:30 बजे थी तो उन्होंने हमें अराउंड 2 PM तक का चेकआउट दिया। और ये चीज़ आप पहले से उनसे बात करके रख सकते हो। बट सिंगापुर जाने से पहले जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है वीज़ा, और सिंगापुर का वीज़ा करना थोड़ा ट्रिकी है। तो जैसे आप यूरोप का वीज़ा कर सकते हो, US का वीज़ा आप खुद से जाके अप्लाई कर सकते हो, आप सिंगापुर का खुद से जाके अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एक एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो एजेंट का लिस्ट मैंने नीचे दे दिया है एक लिंक में। तो ये जो सारे एजेंट हैं ये ऑथराइज्ड एजेंट हैं, और ये सिंगापुर एम्बेसी ने इनको इंडिया के लिए असाइन किया हुआ है। आप इनके पास जाओ, अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार, आपका पासपोर्ट, और आपका इटनरी क्या है, और एक लेटर भी चाहिए होता है जिसमें लिखा होगा कि मैं यहाँ इस दिन से सिंगापुर में हूँ, आप प्लीज़ मेरा वीज़ा ग्रांट कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको उस एजेंट को देनी होगी। एंड मेरा वीज़ा तो 1 या 2 दिन के अंदर प्रोसेस हो गया था, और फिर आप उसको बाय पोस्ट पे अपना पासपोर्ट ले सकते हो और जाके कलेक्ट भी कर सकते हो। मेरे घर से वो एजेंट की ऑफिस काफ़ी पास था, तो मैंने जाके कलेक्ट किया। और फ्लाइट्स एक्चुअली काफ़ी चीप है। मैंने कलकत्ता से फ्लाई किया था सिंगापुर के लिए, तो ये सारी फ्लाइट अराउंड 12,000 INR पर पर्सन के आसपास आती है। बट उससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सीज़न। बट आप अगर 2-3 महीने पहले से देखना स्टार्ट करोगे तो आई थिंक आपको 10,000 से 15,000 के बीच में आराम से फ्लाइट मिल जाएगी। सिंगापुर में मेरी वन ऑफ द सबसे फेवरेट चीज़ थी सिंगापुर का एयरपोर्ट। तो सिंगापुर का एयरपोर्ट शायद वर्ल्ड में 3 या 4 बार बेस्ट एयरपोर्ट का उसको अवार्ड मिला है, और उसके अंदर वाटरफॉल है, लाइक लिटरल वाटरफॉल, और वो इतना तेज़ गिरता है, आई थिंक वो कोई 10th फ्लोर के हाइट से नीचे आता है, और अगर आप उसके पास जाओ तो आपको छींटे ऐसे पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही नॉर्मल सस्ता सा बना दिया, बहुत ही अच्छी है। और सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में और एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे एंट्री और एग्जिट में स्टैंप नहीं लगता। लेकिन ये चीज़ अगर आप यूरोपियन पासपोर्ट्स होल्डर हो तो मैंने यहाँ पे बहुत देखा इनका स्टैंप नहीं लगता, लेकिन जब हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर होते हैं हमें हर जगह स्टैंप लगता है। बट लेकिन इनका ऐसे ही है कि आप जाओ पासपोर्ट स्कैन करो और निकल जाओ, और एग्जिट इमिग्रेशन भी कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, मैं ये नहीं बोलूँगी टर्मिनल बहुत सुंदर है, बट एयरपोर्ट के इनसाइड का जो एरिया है जहाँ पर आप सिक्योरिटी पहले पहुँचते हो वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप कभी भी सिंगापुर एयरपोर्ट ले ओवर भी कर रहे हो तो T1 टर्मिनल में उसका ज्वेल है, तो ज्वेल इस वाटरफॉल और गार्डन वाले एरिया को बोलते हैं। अब ज़रूर एक बार T1 एरिया में जाना, आई होप आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, और आपको लगेगा ही नहीं आप एयरपोर्ट के अंदर आए हो। तो D0 जिस दिन लैंड किया था उस दिन बस हम होटल में रात में सोए, और अगले दिन ने हमने शुरू किया एक्चुअली सिंगापुर देखना। तो सिंगापुर का अगर आप कभी भी गूगल में सर्च करोगे एक्सिंग शुरू, तो पहली चीज़ आएगी वो मरीना बे सैंड। सो मरीना बे सैंड एक्चुअली एक होटल है जिसके नीचे मॉल है, बहुत एक्सपेंसिव मॉल है। आप अपने दिमाग में कोई भी एक्सपेंसिव ब्रांड सोच लो वो उस मॉल में है। और सबसे बढ़िया बात है मॉल के नीचे कनाल्स है, और उस कनाल में बोट भी चलता है। तो अगर आपको इन चीज़ों का शौक है आप ज़रूर वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और इस मॉल के बाहर एक फॉयर एरिया है, मतलब एक स्टैंडिंग जगह है जहाँ से आप म्यूज़िकल
फाउंटेन भी देख सकते हो। तो ये म्यूजिकल फाउंटेन बहुत फेमस है सिंगापुर का, और इस फाउंटेन की शो की टाइमिंग्स होती है, तो टाइमिंग्स आप इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, और मैं वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगी, और उस हिसाब से आप वहाँ पे खड़े हो जाओ और जाके ये इवेंट देख लो। और उसके बाद यहाँ आता है मर्लिन। तो मर्लिन क्या है? मर्लिन एक इमेजिनरी एनिमल है जो एक मछली और एक लायन का मिक्सचर है। तो मर्लिन का जो स्टैचू है बहुत से ज़्यादा फेमस है, तो मर्लिन के मुंह से फौरन निकलता है। लेकिन मैं जब गई थी तब मर्लिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उसकी जगह मैं देख के आई बेबी मर्लिन जो मर्लिन के जस्ट सामने, इट वॉज ऑल्सो वेरी क्यूट। पर हाँ, मर्लिन सिंगापुर का बहुत आइकॉनिक चीज़ है और वो मुझे देखने मिला, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। पर वो आई थिंक लास्ट 6-7 महीने से अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं कभी भी जाती हूँ उससे उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मरीना बे देखने के बाद हम चले गए सिंगापुर का एक गार्डन है, और वो नॉर्मल गार्डन नहीं है, वो स्काई गार्डन का एक टाइप है। तो वहाँ पे जो मोस्टली ट्रीज है फेक है, जो लंबी लंबी सी हैं, और उनमें भी लाइट शो होता है। और ये लाइट शो का मुझे कोई टाइमिंग कहीं कुछ मिला नहीं, मुझे पता भी नहीं था ये लाइट शो एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, हम पहुँचे और हम जस्ट निकलने वाले थे अराउंड 9 PM, और अचानक से लाइट शो स्टार्ट हो गया, और वो बहुत अच्छा था, मुझे वो फाउंटेन से भी ज़्यादा सुंदर लगा। गार्डन है, इसको बोलते हैं सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी। तो अगर आप चाहो तो अभी लंबे लंबे पेड़ों के ऊपर चढ़ के अंदर लिफ्ट वगैरह है, आप वहाँ से देख सकते हो, और उसकी भी शायद अलग से टिकट है। लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं की, क्योंकि मैंने बुक किया था सिंगापुर के व्यू के लिए अराउंड 51 फ्लोर से एक मरीना बे सैंड्स के ऊपर। तो आप वहाँ पर जाओ और आपको एक फ्री फ़ोटो भी मिलेगा, जो आप वहाँ से प्रिंट खरीद भी सकते हो, नहीं तो आप अपने ईमेल पे उसको ले भी सकते हो। और आप वहाँ पर जाओ और ऊपर से आपको पूरा सिंगापुर अच्छे से दिखेगा। प्रेफर करो सनसेट के टाइम पे जाना, मैंने वही किया। लेकिन अनलकीली जिस दिन मैं गई थी उस दिन बहुत ज़्यादा बादल थे, तो मुझे उतना अच्छा सनसेट का व्यू नहीं आया जितना अच्छा मुझे लगता। बट अदरवाइज ऊपर से सिंगापुर देखना वाज प्रीटी नाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट जो जगह है वो है लिटिल इंडिया। तो सिंगापुर में लिटिल इंडिया करके एक जगह है जहाँ पे आपको जाके लगेगा आप साउथ इंडिया में आ चुके हो। चारों तरफ गेंदे के फूल, बहुत सारे इंडियन दुकान, साड़ी लहंगे बिक रहे थे, एंड सामने एक बहुत बड़ा टेंपल भी था। और हमने वहाँ पे डोसा खाया एक आसपास की दुकान में, और कलकत्ता में मैंने जैसा डोसा खाया उससे काफ़ी बेटर वो डोसा, मुझे लगा ऑथेंटिक साउथ इंडियन डोसा मैंने खाया इंडिया के बाहर। और लिटिल इंडिया नाम से ही समझ सकते हो कि कैसी वहाँ की वाइब होगी। तो अगर आपको देश का थोड़ा फ्लेवर चाहिए सिंगापुर में जाके, तो ज़रूर लिटिल इंडिया जाओ। और उसके बाद शायद हम लोग गए थे हाजी लेन करके जगह। तो हाजी लेन बहुत ही पुराना एरिया है, आई थिंक 1900 के आसपास बना था। लेकिन वहाँ पर ना बहुत सुंदर हाउस फ्रंट्स है, तो हाउस फ्रंट मतलब घर के जो सामने का हिस्सा है वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर और ज़्यादा ही डेकोरेटेड है। मतलब सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है उसमें भी एक दो जगह हाजी लेन के ऐसे जो हाउस फ्रंट्स है उसके ऐसे पोस्टर बने हैं, फिर एयरपोर्ट की कुछ कुछ जगह वैसे बने हुए हैं। तो आई हाईली रिकमेंड, आपको कुछ सुंदर पिक्चर्स चाहिए हाउस के साथ या फिर आपको आर्किटेक्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर हाजी लेन में जाके एक बार ट्राई कर सकते हो। उसके बाद और एक जगह है चाइना टाउन। तो सिंगापुर का चाइना टाउन बहुत ही प्यारा है। तो मैंने इससे पहले लंदन और एक दो सिटीज में भी चाइना टाउन देख लिया है, लेकिन सिंगापुर का चाइना टाउन बहुत ही प्यारा था। उस तो सिंगापुर की मेन जो खासियत है वो है यहाँ के फूड मार्केट। तो हर जगह ना यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े फूड मार्केट्स मिल जाएंगे, जिसको ये लोग हॉकर्स मार्केट कहते हैं।
और फूड वहाँ पे रिलेटिवली काफ़ी चीप, मतलब ऑब्वियसली इंडिया से आप उतना कंपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंगापुर के रेस्टोरेंट से कंपेयर करो सिंगापुर के हॉकर्स मार्केट को, तो आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। वन लास्ट चीज़ सिंगापुर में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है उसका सेंटोसा आइलैंड। तो सेंटोसा आइलैंड जिस सिंगापुर के थोड़ा सा नीचे है, एंड आई थिंक ये मैन मेड आइलैंड है। सेंटोसा आइलैंड में है यूनिवर्सल स्टूडियो, सी एक्वेरियम और एक दो चीज़ें। लोग यूजुअली इन दोनों जगह पे जाते हैं, वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन मैं यूनिवर्सल स्टूडियो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे पूरा एक दिन पार्क में नहीं बिताना था। मे बी अगर मैं ज़िंदगी में सेकेंड टाइम सिंगापुर जाऊँ तो शायद मैं यहाँ पे जाऊँ, बट मैं बस 3 दिन के लिए आई थी, उसका एक दिन मुझे पार्क में नहीं देना था। बट आप ज़रूर ज़रूर सिया कोरिया में जाना, वो बहुत सही जगह है। तो आप जब एंटर करोगे एक टनल टाइप का होगा और उसके ऊपर पूरा फिश है, और इतने बड़े बड़े फिश हैं, एंड दे लुक सो मेजेस्टिक एंड सो ब्यूटिफुल। हमने वहाँ बहुत फोटोज़ खींचे, इवन वहाँ पे भी एंट्री पे आपको फोटो खींच सकते हो, और देन यू हैव टू पे अगर आपको बाद में फोटो लेना हो। मेरीना बे सैंड्स जैसा उसका डिजिटल कॉपी फ्री नहीं है, एटलीस्ट हमें तो मिला नहीं उसका डिजिटल कॉपी कहाँ है। वहाँ पे एक पैकेज भी है जिसमें आप अंडर वाटर डाइव कर सकते हो, तो उसमें क्या आपको शायद अराउंड कुछ 40 या 80 सिंगापुर डॉलर्स आपको पे करने पड़ेंगे, और वो जो एक्वेरियम के अंदर है उसमें आप जाके अंदर से डाइव कर सकते हो, आपके साथ डाइवर्स रहेंगे, तो ऐसे बहुत ही सेफ है। मैंने वो चीज़ नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी समुद्र के नीचे एक्चुअल डाइव कर चुकी हूँ। बट हाँ, अगर आपको ऐसे समुद्र के नीचे जाने का मन है और आपको जा नहीं पाए, तो आई विल से आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, आपके लिए नया एक्सपीरियंस हो सकता है। खाने के लिए मैं आपको बोलूँगी बस और बस हॉकर्स मार्केट जाना, लेकिन मैंने मेरी ब्रेकफास्ट की थी एक नॉर्मल छोटे से शॉप से, वो भी शायद 150 साल कुछ पुरानी थी, उसका नाम था हिप सेंग लाओ, और मैंने शायद बहुत ही गलत प्रोनाउंस किया, मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी। वहाँ पे एक कॉफ़ी मिलती है जो बटर के साथ आती है, उसे बटर कॉफ़ी बोलते हैं, वो कॉफ़ी ट्राई करना। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा है, बट नई चीज़ है, यूनिक चीज़ है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो। और मेरी मम्मी ने कॉफ़ी लिया था, वो कंडेंस मिल्क के साथ था, वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा था। इट इज़ लिटिल बिट स्वीट हमारे टेस्ट के हिसाब से, बट हमें अच्छा लगा काफ़ी। और उसके बाद एक्चुअली मेरी कॉपी में सारा कुछ मैं लिख लिख के लेके जाती हूँ सारे ट्रिप्स का, तो मुझे यहाँ से देख के बोलना पड़ता है। सबसे फेमस वहाँ का फूड सेंटर है मैक्सवेल फूड सेंटर, मैं वहाँ पे गई थी, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सारे हॉकर्स मार्केट में इतने ज़्यादा दुकान है ना कि आप कन्फ्यूज हो जाओ कि कहाँ से लेना है, लाइक सिर्फ टू मेनी शॉप्स। लिटिल इंडिया में एक जगह है जो बहुत ही अच्छा था, जहाँ से डोसा खाया था, वो था टेक्का सेंटर, वो भी एक हॉकर्स मार्केट है, वहाँ से आप कुछ भी इंडियन खा सकते हो, छोले भटूरे, पराठे, डोसा, इडली सब मिलता है वहाँ पे। और सिंगापुर में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है, आई थिंक ये मरीना बे सैंड्स होटल के नीचे है। मैं नहीं गई क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़िंदगी में एक बार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खा चुकी हूँ, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ ट्राई करना है आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा जो मेरे और कुछ रिकमेंडेशंस थे जो मैं जाने से पहले देख के गई थी, लेकिन मैं वहाँ जाके टाइम क्रंच की वजह से जा नहीं पाई, वो सारी इसमें लिखी हुई है, और मैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिस्ट डाउन कर दूँगी। और तो बस इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा सिंगापुर का टूर। और सिंगापुर से एक्चुअली वापस मैं घर नहीं आई, सिंगापुर से गई थी मैं मलेशिया, और उस वीडियो के बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।